अगर परमेश्वर कहता है कि व्यभिचार नहीं करना और तुम कर रहे हो तो तुम दुष्ट की गिरफ्त में है, क्योंकि एक मनुष्य को दो ही ताकतें चलाती हैं, या तो दुष्ट आत्मा चलाती है या परमेश्वर चलाता है। समझ आ रहे? परमेश्वर ने क्या बोला, मैंने तुझे अंधकार में से छुड़ा के ज्योति में रखा है, और अब ज्योति के लोग क्या है, ज्योति में चलेंगे, ज्योति के काम करेंगे, प्रभु के, प्रभु का वचन उनके अंदर होगा, वो ज्योति है, और अब ज्योति अंधकार में नहीं जा सकती। समझ आ रही है? तो दुष्ट आत्मा यार, आप अंधकार के नहीं, आप ज्योति के, आप ज्योति हो, और आप अगर कहते हो मैं ज्योति हूँ, मैं यीशु में हूँ, और तुम अंधकार के काम कर रहे हो, तो तुम अपने आप को क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को चेक करें, पवित्र करें, और खरे मन से प्रभु के साथ चले, टेढ़ा स्वभाव छोड़ दें, छली बातें छोड़ दें, झूठ छोड़ दें, टेढ़ा स्वभाव छोड़ दें, और खुदा पवित्र आत्मा दिया गया है। प्रभु को पता था हमें चलना मुश्किल है, हम नहीं चल सकते, हमें सहायता चाहिए, हमें एक सहायक चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें दिया, जो हमारी सहायता करता है उस गड्ढे में से निकलने से, जो हमारे नेचर को, स्वभाव को बदलता है, हमें लीड करता है, हमें गाइड करता है, कब क्या करना है हमें, हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर ने हमारा सहायक होली स्पिरिट हमें दिया है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति को दो ही ताकतें चलाती है, इस संसार को कौन चला रहा है, दुष्ट आत्मा। जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमें भी वही आत्मा चला रही थी, लगे हुए थे उसके पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बुराई करने से अभी पड़ता है। हाँ, अभी करते तो उसी टाइम डिपेंडेंस आती है, उसी नहीं नहीं, पुराना स्वभाव क्या है, छोड़ते जाओ, झूठे मसीह बनना छोड़ दो। प्रभु पवित्र लोगों को लेने आ रहा है, सिर्फ नामधारी मसीहों को लेने नहीं आ रहा। आपका नाम जॉन है, अगर आपका नाम पीटर है तो वो लेने आ रहा आपको, याद रखिए, उनका जीवन उनके जैसा होना चाहिए। अगर आपका जीवन उस जॉन और पीटर जो प्रभु के चेले थे, अगर वैसा जीवन है ना, तो प्रभु आपको लेने आ रहा है। तो अपने धोखे में मत रहिए, अंत के दिनों में पता है शैतान बहुत धोखा देगा लोगों को, लोगों को लगेगा वो सही चल रहे हैं, वो तो सत्य भी चल रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी, ओ बस अब हम इतना थोड़ा नहीं करेंगे, और क्या कर रहे हैं, लोगों की हाँ में हाँ, गलत बातों में भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, गलत बातों में लोगों का साथ दे रहे हैं। अभी तक वो झूठ, वो छल, वो चीज़ें गई नहीं है, याद रखिए, शैतान झूठा है, झूठ का पिता है, और धोखा देने वाला है। वो ज्योति में स्वर्गदूत के रूप में आता है तुम्हारा वेलफिशर बन के, वो तो तुम्हारी बहुत भलाई चाहता है, लेकिन तुम्हें धीरे धीरे प्रभु से दूर कर देता है। केयरफुल रहिए, अंत के दिनों में आएंगे लोग आपके पास बहुत अच्छे बन के। हालेलुया। और प्रभु आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है प्रभु, अब देर नहीं है, अपनी तैयारी करें अपने आप को, और प्रभु मौका दे रहा है आज आपको। हालेलुया। पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है। हालेलुया। सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, और वो वही काम कर रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, आप पूरी दुनिया को खुश करो, पूरी दुनिया आपसे खुश हो, अगर परमेश्वर आपसे खुश नहीं है ना, तो आपकी ये ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, आप अपना अनंत काल खो दोगे। इसलिए सारे संसार को खुश ना करो, प्रभु को खुश करो। हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं पूछा तूने क्या पहना, क्या तूने मेरे वचन पे चला, मुझसे प्रेम किया नहीं किया। यीशु स्वर्ग छोड़ के धरती पर आया, सब कुछ दिया, पर उसने अपना इकलौता दे दिया आपके लिए, आप क्या दे रहे हो उसको। हालेलुया। तो जो उद्धार है वो आसान नहीं है, जहाँ भी मौका मिले प्रभु का वचन शेयर करें, लोगों को बताएं, क्योंकि एक ही रास्ता है और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। शैतान को उनसे प्रॉब्लम नहीं है जो किसी को भी परमेश्वर कह देते हैं, शैतान को उनसे प्रॉब्लम है जो एक परमेश्वर को मानते हैं। समझ रहे? वो उनसे डरता है क्योंकि उसको पता है ये धोखा नहीं खाने वाले, उसको उनसे नहीं डर लगता। किसी को भी ईश्वर मान लेते हैं, किसी को भी ईश्वर कह देते हैं, एक दिन आएगा एंटीक्राइस्ट को भी बोलेंगे हाँ ये भी हमारा ईश्वर है। वो डर लगता है जब आप एक ईश्वर को और उसके लॉ को मानते हो। इसलिए अभी क्या हो रहा है, आप दुनिया में देखो लॉ ही तो चेंज हो रहे हैं, संसार के लॉ चेंज हो रहे हैं,
लास्ट में शैतान ने क्या करना है, एक लॉ बनाना है। अभी देखो आपस में धर्मों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, है ना, उसने जी उनका वो जला दी, उन्होंने उनकी बाइबल जला दी, उन्होंने उनकी वो जला, ये धार्मिक लड़ाइयाँ। और लास्ट में शैतान बोलेगा भाई एक ही धर्म बनाओ, धर्मों का चक्कर ही ख़त्म करो, और उसके ऊपर फिर एंटी क्राइस्ट आके बैठेगा। चलो जी, एक ईश्वर, झुको सब इसके सामने। पर आपको याद रखना है शद्रक मेशक अवधनगो का टाइम शुरू हो गया अभी, और आपको मजबूत रहना है परमेश्वर में, ना केवल इस दुनिया की आशीषें बरकतें के लिए, लेकिन अपने उद्धार को संभाल के रखना है। हालेलुया, आप बहुत सामर्थी हैं। आप जानते नहीं हैं वचन, बाइबल क्या कहती है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। और अगर परमेश्वर का जीवन तुम्हारे अंदर है, तुम बीमार कैसे हो सकते हो? जब परमेश्वर का जीवन तुम्हारे अंदर है, तुम मर कैसे सकते हो? आप जानते हैं अब आप दोबारा मरेंगे नहीं, हम क्या है, हम क्या है, बदलेंगे। परमेश्वर ने कहा नहीं, मरनहार ने अमरता को पहन लिया, तो हमने किसको पहन लिया, अमरता को पहन लिया। अब हमारी क्या है, सिर्फ देही चेंज होनी है, मरना नहीं है, मरना जीना वो ख़त्म है स्टोरी। हालेलुया, तो परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का जीवित वचन हमारे अंदर है, उद्धार हमारे अंदर है। हालेलुया, आत्मा, पवित्र आत्मा, उसके फल, उसके वरदान हमारे अंदर है। अब हम बहुत सामर्थी हैं। हालेलुया, तो मांगो परमेश्वर से, सही प्रार्थनाएं करो और अपने विश्वास को बढ़ाओ। हालेलुया, समय बिताओ प्रभु के साथ। जब प्रभु के साथ समय बिताओगे तो उसी की बातें तुम्हारे दिमाग में, फेथ की बातें आएंगी, फिर नेगेटिव बातें नहीं आएंगी तुम्हारे अंदर। आपको बोलना है आपका माइंड क्या विश्वास करता है। हाँ, मैंने आपको एक बार बताया ना, मुझे एक डॉक्टर ने बोला आपको 18 mm की पथरी है। हाँ, मैंने बोला झूठ बोल रहा है, मैं बिलीव नहीं करती, रिपोर्ट में आया था और 40 की रिपोर्ट थी। मैंने बोला मैं बिलीव नहीं करती, कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने बिलीव नहीं किया, 3 रिपोर्ट कराई, कोई पथरी नहीं थी। आपका बिलीव, आपको पता नहीं आपकी ताकत कितनी, विश्वास की ताकत कितनी बड़ी है। डॉक्टर बोले आपको कैंसर है, आप मरने वाले हो, बोलो मैं बिलीव नहीं करती, मैं कभी नहीं मरूंगी, क्योंकि प्रभु का जीवन मेरे भीतर है। आपके अंदर, आपका बाइबल में लिखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ, सब कुछ। जैसे ही आप विश्वास करेंगे और वचन को अंगीकार करेंगे, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, कोई कैंसर मेरी बॉडी में नहीं है, कोई शुगर मेरी बॉडी में नहीं है, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया हर बीमारी के ऊपर, उसने मेरी हर बीमारी को क्रूस पे ले लिया। और जब ऐसे विश्वास के वचन आप बोलोगे और अपने अंदर से विश्वास, मैंने बोला वो कैंसर सेल आपकी बॉडी को छोड़ के निकल, डेड हो जाएंगे आपके अंदर से। आपका बिलीव क्या है? प्रभु ने कहा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। कितनी नेगेटिव चीजें आप वर्ल्ड से सुनते हो और कितना परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हो, इस चीज को मैटर करती है आपकी लाइफ पे। इसलिए अपने आप को हर एक नेगेटिव कनेक्टिविटी से कट कर लो। आपको पता है, अभी देखो आप नॉर्मल बैठे हो, आपके आपको कोई बैड न्यूज दे दे, अरे आज आपने टेस्ट करवाए थे ना, आपके टेस्ट में ये रिपोर्ट आ गई आपकी, आपको थायराइड है, आपको शुगर, आपको फुलाना, अपना सुबह तक तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, अरे टेंशन हो जाएगी आपको, आप 4 को बताओगे, उसके बाद क्या है वो गढ़ आपके आपके अंदर, वो गढ़ इतना मजबूत हो जाएगा कि आप चाह के भी उसको निकाल नहीं सकते। लेकिन जब आप उन चीज़ों को, हम जानते हैं जब कोई ऐसी न्यूज़ आती है मैं हंसने लगती हूँ, क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती उन चीज़ों पर। अब मैं लोगों को बोलती हूँ अरे कुछ हुआ भी नहीं है, तुम पहले से इतना डर रहे हो, लास्ट मोमेंट में तक परमेश्वर बड़े मिरेकल्स को करने वाला है। प्रभु ने क्या बोला, धर्मी जन, बोलो बोलो मेरे साथ, धर्मी जन किससे जिंदा रहेगा, विश्वास से। और विश्वास कैसे आता है, मसीह के वचन से। क्या विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह का वचन, नेगेटिव बातें नहीं, डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं, लोगों की बातें नहीं। दुनिया का सिस्टम फेल है, वो आपकी मदद नहीं कर सकता जिस सिस्टम पे आप विश्वास कर रहे हो,
जिस गोली पे आप विश्वास कर रहे हो, सारी जिंदगी शुगर की गोली गिरते हो, शुगर खत्म नहीं होती, इंजेक्शन शुरू हो जाते हैं आपके, लेकिन एक प्रेयर जब होती है ना तो आपकी शुगर के सेल खत्म हो जाते हैं आपकी बॉडी से, समझ रहे, आपकी शुगर ना नॉर्मल पे टिक जाती है बस आके, ये एक प्रेयर से होता है। तो आप समझ सकते हो कि आपके अंदर कितनी बड़ी ताकत है। हालेलुया।